हरियाणा के एकमात्र कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक शक्ति सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी कुप भद्रकाली मंदिर व गीता की पार्क प्रकाठ्य स्थली ज्योतिसर पहुंचे कुरुक्षेत्र लोकसभा से एनएलओ प्रत्याशी अभय चौटाला ने देवी से विजयश्री का आशीर्वाद लिया। अभय चौटाला ने कहा कि कुछ पाखंडी चुनावी मैदान में है, प्रदेश की जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल ने 10 साल तक कुरुक्षेत्र की जनता की सुध नहीं ली। सुशील गुप्ता 5 वर्ष तक राज्यसभा में मजे लेते रहे और अब कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कुरुक्षेत्र से कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इनका असली चेहरा बेनकाब करेगी। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि सुबह घर की दहलीज से बाहर जब कदम रखते हैं, उससे पहले जो घर में मंदिर है वहाँ पे भी अपने देवी देवताओं को पहले प्रणाम किया जाता है और उसके बाद फिर अगला दिन का काम शुरू किया जाता है। मैं कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा पहला धर्म और कर्तव्य है कि मैं पहले माँ का आशीर्वाद लूँ और उसके बाद अपने अगले शुभ काम के लिए अगली तैयारी करूँ। मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि मुझे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और जो लोग मेरे सामने लड़ने वाले हैं, जो पाखंडी हैं, जो केवल इस चुनाव के समय में कुरुक्षेत्र की धरती पे आते हैं, ऐसे लोगों को अब की बार प्रदेश की जनता बहुत सबक सिखाएगी। हम लोग बहुत समझदार होंगे। नवीन जिंदल जी 10 वर्ष से कभी कुरुक्षेत्र की धरती पे नहीं आए,